नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय के साथ सामने आए हैं वो घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है, और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय एक बार फिर हम आपको बताते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा हुआ है, घरेलू हिंसा संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है, इससे जुड़ा कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी आपके सामने है, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। फोनलाइन खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधा सवाल कर सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश पटोहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले यही दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आखिर घरेलू हिंसा कहते किसे? देखिए, जो घरेलू हिंसा का जो मुद्दा है, जो घर में रह रही महिलाएं जिनके साथ जो घर के रह रहे जो व्यक्ति हैं अगर किसी प्रकार की हिंसा करते हैं, वो मानसिक, शारीरिक या कोई तानेबाजी है या उनको कोई जो उनका हक है उसके अनुसार जो है कोई सामान अगर वो यूज़ नहीं कर सकते, कोई अगर कामकाजी महिला है अगर उसको काम पे जाने से रोका जाता है, या उसकी जो अगर तनख्वाह है या उसके जो वेजिस हैं उसको खर्च करने से रोका जाता है, या हमारी माँ बहनें या बच्चे जो हैं, जैसे कोई अगर बच्ची है उसको कॉलेज जाने से, उसको शिक्षा प्राप्त करने से, या कोई बच्चे को स्कूल जाने से किसी महिला को रोका जाता है, तो ये घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। और इसके अंदर जो है हमारी माँ बहनें बहुएँ जो घर में रहती हैं और जो घरेलू रिलेशनशिप में हैं वो उसके अंतर्गत आती है और उनको कानून के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है, और उसके अनुसार वो जो है अपनी जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ जो है ऑर्डर ले सकती है कोर्ट के द्वारा। चले, बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि फोन लाइंस खुली हुई हैं और जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विषय हमारा आज का घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है, इस विषय से संबंधित अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है और उसका काम क्या होता है, दायित्व? जी, ये जो कानून है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें जो है जैसा कि हेल्प के लिए या जो न्यायालय है और पीड़ित के बीच में जो एक कड़ी है, एक मजबूत कड़ी के रूप में प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो है गठन किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है ये ज़्यादातर महिलाएं होती है और राज्य सरकार जो है इनको नियुक्त करती है, और कई जगह कई राज्यों में ये जो पावर है प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये थानेदारों को भी दी गई है। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है अगर कोई पीड़िता है अगर तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर से जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकती है, या कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि भाई उसके आसपास किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो सूचना दे सकता है, जिसके आधार पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो आगे जो है पीड़िता को जो है कानूनी अधिकार के बारे में बताएगी, और उसके लिए जो उसके कानूनी अधिकार बनते हैं और जो उसके लिए रिलीफ बनता है उसके लिए वो रिटर्न एप्लीकेशन जो है वो जज साहब के यहाँ लगाई जाएगी जो इलाका मजिस्ट्रेट है, और उसमें डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट वगैरह भी जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर फाइल करती हैं। कोई पीड़िता है अगर उसको घर से निकाला गया है तो उसके लिए शेल्टर होम प्रोवाइड कराती हैं, और अगर कोई अगर किसी को चोट लगी है तो उनका मेडिकल वगैरह जो है करवाना होता है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी कराती हैं। और चलिए, बिल्कुल, इसके तमाम पहलू और भी हैं, उन पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दिल्ली से शांतनु हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए।
शांतनु जी आवाज मिल पा रही? हेलो जी, सवाल कीजिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा शादी 2012 को हुआ था जी, तो उसके बाद से जो मेरी जो पत्नी है वो झगड़ा करके अपने मायके चली गई और उसके बाद से फिर वो आई नहीं अब मेरे यहाँ पे, तो मैं सेक्शन 9 लगाया हूँ अपने घर में और वो जहाँ रहती है वहाँ से 498 मेरे ऊपर की है, तो सर सेक्शन 9 में वो आती नहीं है। ठीक है राजेश जी, क्या इन्हें कानूनी सहायता बताएंगे? जैसा कि अभी आपने बताया है कि आपकी पत्नी अगर बगैर किसी कारण के अगर आपको छोड़ के गई है और इस आधार पे आपने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में उसको बुलाने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट में आपने मुकदमा फाइल किया है कि जो आपके वैवाहिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर उसने देखिए उसका कानूनी अधिकार है आपकी पत्नी का, वो उसको यूज़ कर रही है और आप जो हैं जो आपको प्रोवाइडेड है आप उसको यूज़ कर रहे हैं। और देखिए इसमें आप बिल्कुल ना घबराएं, आपको अपना पक्ष सबूतों के आधार पे जो है आपने जज साहब के सामने रखना है और इसमें जो मैटर है वो जज साहब जो न्यायालय में जो पेंडिंग है उसके अनुसार जो है उसमें फैसला आएगा जो भी है। चलिए उम्मीद करते हैं शांतनु जी, जो राजेश पटवा जी ने आपको कानूनी रास्ता सुझाया है, अगर इस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई कानूनी अड़चन आपको परेशान कर रही है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं। और अपने दर्शकों से भी हम अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को ठीक ढंग से उठा सकें। ओम प्रकाश जी अगले दर्शक हमारे साथ पंजाब से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। ऐसे है कि हमारी जैसे मेरे बेटे की पत्नी ना जी आग लगाकर मतलब भी घर से चली गई है, ड्रामा किया उसने जी, इसको 3.5-4 साल हो गए तो केस चल रहा है जी, तो अब हम क्या करें, हमने तलाक डिवोर्स का केस डाला उसके ऊपर और वो कहते मैं डिवोर्स दूंगी नहीं, क्योंकि हमारे पर सबूत है कोई आग नहीं लगी थी उसको, बाहर एक ड्रामा किया था राजेश जी, वो भी फर्स्ट में से सही हो। ठीक है, देखने में ये आया है जैसे अब ये बता रहे हैं और पिछले कॉलर जो थे उनको लगता है कि महिलाएं जो हैं वो घरेलू हिंसा जो कानून है उनका नाजायज फायदा उठाती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ये कानून बने हैं जो कमजोर वर्ग है और उनके उत्थान के लिए, कई कुछ जगह ऐसा आता भी है कि कानून का नाजायज फायदा उठाया जाता है, मगर मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से कि न्यायपालिका पर जो भी है आप पूर्ण विश्वास रखें, थोड़ा टाइम लगता है, बाकी ये है कि आप अपना पक्ष जो है मजबूती से, जैसा कि अगर आप बताते हैं कि उन्होंने झूठा केस फाइल किया तो आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ बाद में, और उसके अलावा जो आपके बचाव में जो जो चीजें हैं जैसे अगर उन्होंने मुकदमा फाइल करा है तो आप वहां पर अपनी बेल अप्लाई करें, सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल करें और उसके अलावा जो जो भी बचाव में है आपके पास सबूतों के साथ जो है आप न्यायपालिका पर जो है पूरा विश्वास रखें उनके सामने ये बात रखें। चलिए उम्मीद करते हैं प्रकाश जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब मिला होगा। एक और दर्शक जम्मू से हमारे साथ शकील अहमद साहब जुड़ गए हैं। शकील जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, हेलो शकील जी अपना सवाल कीजिए। मेरा एक गुजारिश है आपसे प्लीज, है कि जो मैं सुबह से टीवी देख सवाल पूछूंगा, सुबह से मैं देख रहा हूँ इतनी बच्ची इतनी छोटी छोटे बच्चों के साथ क्यों रेप हो रहा है, प्लीज उसके लिए एक कानून अलग सा बनाइए, जो भी हो जिस धर्म के भी हो पहले उनको फांसी पर लटकाइए प्लीज। अगर ये दो कानून समाप्त हो जाएंगे मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा, हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है सबकी माँ माँ है, सबकी बहन बहन है, सबकी बेटी बेटी है, इसमें धार्मिक कोई मसाला नहीं, गुजारिश है प्लीज दो तीन आदमी को जब फांसी मिलेंगे ये पूरी की पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, जो रेपिस्टों की बात है आज अपने देश में देख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है जी, आगे होता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल शकील अहमद साहब आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, राजेश पटवा जी क्या कहेंगे, ये एक आम दर्शक है।
जो समाज पीड़ा है, जो कुरीतियों की वजह से जो विकृतियां हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं जी, जो सामाजिक पीड़ा है उसको लेकर बयान कराया उन्होंने। अभी कानून में अभी पीछे जो है एक संशोधन हुआ था, और उसके अलावा जो है एक पॉस्को एक्ट बना है जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल जो ऑफेंसेस हैं बच्चों के खिलाफ, उसमें भी ये 2013 में कानून बना है, उसमें 18 साल से नीचे के बच्चों के साथ अगर कोई किसी तरह की अगर छेड़छाड़ करता है या कोई सेक्सुअल हरासमेंट या किसी तरह का जो मुकदमे मतलब कि अपराध करता है तो उनके खिलाफ बड़ी सख्त सजाओं का प्रावधान रखा गया है। और देखिए कानून में हर तरीके से प्रावधान है, और कानून और मेरी फिर भी बार बार गुजारिश है आप सब लोगों से न्यायपालिका पर आप विश्वास रखें, क्योंकि जल्दबाजी में जो है वो कई चीजों का निर्णय जो है वो नहीं लिया जा सकता। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं शकील अहमद साहब आपका जो दर्द था उस पर जरूर थोड़ी रियायत आप महसूस कर रहे होंगे। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में मौजूद होता है समाधान के लिए, लेकिन जागरूकता के अभाव के चलते, जानकारियों के अभाव के चलते इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। एक और दर्शक सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान के कोटा से हैं। सचिन बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सचिन आवाज मिल पा रही? हेलो, सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी राजस्थान में बोर्ड एग्जाम हुए थे। सचिन सबसे पहले अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर सवाल करें। सर अभी बोर्ड एग्जाम हुए थे, उसमें मेरे दोस्त ने भी पेपर दिया था तो उसमें सारे पेपर दिए, किसी एक पेपर में एब्सेंट लगा दी। आप चाहते क्या है? तो मैं इंसाफ चाहता हूँ कि उसने पेपर दिए जब भी उसके एब्सेंट क्यों लगे। राजेश जी एक छात्र हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने एग्जाम दिए, परीक्षा में मौजूद थे लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद एब्सेंस लगा दी गई, इस सूरत में कानूनी तौर पर ये क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं? जी देखिए, अगर आपका कहना ये है कि आप एग्ज़ाम देने गए और आपकी गैर हाजिरी लगी है तो RTI एक्ट में जो है आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं शिक्षा विभाग को, और आप वहाँ पर जो हाजिरी रजिस्टर होता है उसकी आप कॉपी लेके उसके अनुसार जो है आपकी अगर हाजिरी है वहाँ पर तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। चलिए उम्मीद करते हैं सचिन आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। हम जिस विषय के साथ आ जाए हैं और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा हुआ है। राजेश जी एक सवाल ये भी उठता है कि घरेलू हिंसा के लिए आखिर कौन कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? देखिए घरेलू हिंसा जो हो रही है, मैंने आपको बताया, जो अगर किसी के आसपास हो रही है तो कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि जिसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है वो पीड़िता का भाई हो या रिश्तेदार हो, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो इसमें शिकायत जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे सकता है जो इलाके के होते हैं, और उसके अनुसार जो आगे प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो कार्रवाई करती हैं, वो पीड़िता से मिलती हैं और उसको उसके कानूनी अधिकार बताती हैं, और उसकी तरफ से जो है एप्लीकेशन वो मूव करा सकती हैं कोर्ट में कि पीड़िता के साथ ये हो रहा है और उसको ये रिलीफ मिलना चाहिए उसके अंदर। चलिए एक और दर्शक राजेश जी हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर, हमें ये जानकारी चाहिए, जैसे कि मेरा जो केस है बरेली के एडी कोर्ट में चल रहा है और एडी फास्ट ट्रैक कोर्ट भी चल रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो जज है वो बड़ा अपशब्द तरीके से बोलते हैं और उसका केस चल रहा है मेंटेनेंस, वो इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे आपको तो पैसे देने ही होंगे, मैं आपको कस्टडी में ले लूंगा और उससे पहले क्या थे जजमेंट से पहले मैं कस्टडी में ले लूंगा, फिर कस्टडी में से सब छोड़ूंगा जजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जबकि मेरी आपत्ति है वो डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि क्या हम इन जज के खिलाफ कोई केस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? वो डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं और सर्टिफाइड काफी हमें एक एक महीना हो जाता है, वो निकलवाने नहीं देते हैं। राजेश जी क्या सलाह? देखिए जो आपने समस्या बताई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, देखिए जज साहब जो भी है वो किसी भी रूप में आपको लताड़ नहीं सकते। हाँ अगर उनके सामने उन्होंने कोई ऑर्डर करा हुआ है मेंटेनेंस का और एग्जीक्यूशन पिटीशन लगी हुई है तभी वो आपको ये कह रहे होंगे कि हम आपको कस्टडी में ले सकते हैं और आप पैसा दें, क्योंकि तो जो अगर ऑर्डर हो चुका है और उसकी एग्जीक्यूशन उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए जज साहब जो है कड़े कदम उठाने के लिए जो है आपको ये बात कही होगी, और
इसलिए जो है आप शायद समझ नहीं पा रहे उनकी बात को, इसलिए वो बार बार आपसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए मैं फिर बात को दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर न्यायपालिका पर विश्वास रखें और उनकी बात को समझें। देखिए ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़े, अगर मेंटेनेंस बनता है और मेंटेनेंस तय है और उसको अगर आपको लगता है कि गलत तय हुआ है तो उस ऑर्डर की आप अपील कर सकते हैं। अगर जज साहब कोई गलत ऑर्डर करते हैं तो आप उसकी अपील करें आप, और ऊपरी कोर्ट में आपकी सुनवाई जरूर होगी। चले उम्मीद करते हैं राजेश आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब जरूर मिला होगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस पर। सरकार की भूमिका राजेश जी क्या होती है घरेलू हिंसा जी, सरकार की क्या भूमिका होती है? हाँ, सरकार की जो भूमिका है इसमें, इस कानून के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है इसकी पब्लिसिटी करना, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं उनकी नियुक्ति करना और इसके बारे में जो पोस्टर्स वगैरह पब्लिसिटी वगैरह जो है उसको इनका सरकार का जो है इसमें बड़ी अहम भूमिका होती है। और कानूनी जो सहायता है वो फ्री उपलब्ध कराएं, कराने की जो जिम्मेवारी है वो सरकार की होती है, खासकर महिलाओं के लिए और जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए। आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर का जिक्र किया, अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करता तो उस पर किस तरह का एक्शन? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो आपके पीड़ित जो है, पीड़िता जो है, पीड़िता और कोर्ट के बीच की बड़ी मजबूत कड़ी है। अगर वो कानून के अनुसार अगर काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, जिसमें कि कुछ सजा का और जुर्माने का भी प्रावधान है। जैसे कि कोई संरक्षण अगर कोर्ट ने दिया है किसी लेडीज को और अगर उसकी भी अवहेलना कोई व्यक्ति करता है, जैसे कि किसी कामकाजी महिला ने कोर्ट में मुकदमा फाइल करा कि उनको काम से जाने से रोका जाता है और कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर दिया एक कि जी आप इस कामकाजी महिला को जो है उसके घर के जो लोग हैं वो रोके नहीं, और अगर उसकी अगर अवहेलना होती है तो उसमें भी FIR दर्ज होती है और उसके अंदर भी जो है सजा का प्रावधान है। और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है अगर इसके अंदर अपनी प्रॉपर भूमिका नहीं निभाते हैं, जो ड्यूटी है अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी सजा का प्रावधान है इस कानून में। चलिए चलते चलते एक अंतिम सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, क्या घरेलू हिंसा की शिकायत किसी महिला के खिलाफ भी हो सकती है? क्योंकि ज्यादातर मामले होते हैं घरेलू हिंसा से जुड़े तो ये कहा जाता है कि महिलाओं को ही प्रताड़ित किया जाता है। जी, जब ये कानून शुरू में आया था तो इसके अनुसार इसमें जो है किसी लेडीज के खिलाफ शिकायत नहीं होती थी, मगर इसमें फेरबदल हुआ है और इसमें काफी अपनी जजमेंट वगैरह है तो किसी महिला के खिलाफ भी जो है इसमें ये घरेलू हिंसा का जो कानून है वो उनके खिलाफ भी बिल्कुल बनता है और उसमें उनके खिलाफ भी ये कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश पटुआ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुँचाने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका होता है जो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है क्योंकि जागरूकता नहीं होती, जानकारियां नहीं होती। इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम हर दिन यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।